सुल्तानपुर के बाहुबली सोनू और मोनू की बहन अर्चना सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में है। हजारों जद्दोजहद और साजिशों से लड़ते हुए आखिरकार अर्चना सिंह ने शपथ लेते हुए जिला पंचायत सदस्य का पद ग्रहण कर लिया है, जिसके बाद से विपक्षियों के माथे पर शिकन पड़ने लगी है। ऐसा माना जा रहा है कि अब अर्चना सिंह पूरे जिला पंचायत को अकेले ही प्रभावित कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। बाहुबली भाइयों की बहन अर्चना सिंह ने विकास भवन में शपथ लेते हुए जिला पंचायत सदस्य का पद ग्रहण कर लिया है। खुद मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स ने अर्चना सिंह को शपथ दिलाई। इस मौके पर जिला पंचायत विभाग के कई अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। अर्चना सिंह के शपथ लेने के बाद से सुल्तानपुर में सियासत तेज हो गई है, क्योंकि अर्चना सिंह ने इस कुर्सी को हासिल करने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया है। अगर गुजरे वक्त की बात करें तो पहले ही दांव में अर्चना सिंह ने जिला पंचायत सदस्य की कुर्सी पर अपने नाम का परचम लहरा दिया। उसके बाद शुरू हुआ जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का संग्राम, जिसमें कई प्रत्याशी दम भर रहे थे, लेकिन खास टक्कर अर्चना सिंह और बीजेपी की उषा सिंह के बीच हुई, जहां अर्चना सिंह को अपने बाहुबली भाई सोनू और मोनू का सपोर्ट मिला हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर उषा सिंह को पति शिव कुमार के साथ ही पूरी बीजेपी का समर्थन था। चुनाव के दौरान अर्चना सिंह की दमदारी को देखते हुए उन पर कई तरह के जुबानी वार किए गए। इतना ही नहीं, पूरे जिले में अर्चना सिंह का कई साल पुराना वीडियो वायरल कर दिया गया, जिसमें वो गोली चलाती नजर आ रही थी, और उसी वीडियो पर संज्ञान लेकर पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। इसके बाद उनके परिवार के असलहों का लाइसेंस भी रद्द करने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया, जिस पर भाई सोनू और मोनू दोनों ही काफी परेशान थे। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष के पति शिव कुमार ने मोनू सिंह के समर्थकों पर जानलेवा हमला करने का गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। धीरे धीरे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का दिन करीब आ गया। आखिरकार अर्चना सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकी और शिव कुमार की पत्नी उषा सिंह एक बार फिर जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई। लेकिन अब अर्चना सिंह ने बतौर जिला पंचायत सदस्य अपना पदभार संभाल लिया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि वो उषा सिंह की दिक्कतों को बढ़ाती रहेंगी, जिसे लेकर खुद उषा सिंह भी परेशान है, क्योंकि अब उषा सिंह और अर्चना सिंह के बीच अदावत सभा में भी देखने को मिल सकती है। ये खबर हमारे संवाददाता नफीस खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।